पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पिछले 2 महीनों से दिल्ली के एम्स में भर्ती थे, लेकिन अफसोस आज किडनी की गंभीर बीमारी के चलते उनका निधन हो गया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ एक अच्छे नेता नहीं बल्कि बेहद ही दिलचस्प हस्ती भी थे। आज हम आपको अटल जी की जिंदगी की 10 अनसुने किस्सों से रूबरू करवाते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने आरएसएस में शामिल होने से पहले साम्यवाद के रूप में शुरुआत की थी, लेकिन अटल जी प्रचारक बाबा साहेब आप्टे से प्रभावित हुए और उन्होंने साल 1939 में आरएसएस से जुड़ने का फैसला लिया और साम्यवाद को पीछे छोड़ दिया। देश की आज़ादी के वक्त तक अटल बिहारी वाजपेयी आरएसएस के फुल टाइम वर्कर बन गए। भले ही अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, लेकिन अटल जी को मांस मच्छी खाने का बहुत शौक था। अटल जी को झींगा मच्छी बहुत प्रिय थी और नॉनवेज खाने के लिए उनका पसंदीदा होटल दिल्ली का करीम होटल था। आप शायद ही जानते होंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी और उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी एक साथ मिलकर कानपुर के डीएवी कॉलेज से लॉ की पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई के साथ दोनों यानी पिता पुत्र एक ही क्लासरूम और एक ही हॉस्टल के रूम में भी रहते थे। भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर 1953 में अटल जी आमरण अनशन पर बैठे थे। कश्मीर को भारतीय जनसंघ में मिलाए जाने की मांग को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी ने भूख हड़ताल की थी। 1996 के चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर राष्ट्रपति ने सरकार बनाने का न्योता दिया। उसी दौरान एक किस्सा मशहूर है। अटल जी प्रधानमंत्री बन चुके थे, लेकिन वो भूल गए थे कि वो प्रधानमंत्री हैं। और खुद अटल जी विश्वास प्रस्ताव रखने के लिए संसद में जब खड़े हुए तो उन्होंने लोकसभा में खड़े होकर कहा, प्रधानमंत्री जी, जिसके बाद पूरे संसद में जोर जोर से हंसी और ठहाके गूंज उठे। शायद ही कोई विदेश मंत्री होगा जिसने अपना भाषण हिंदी में दिया हो, लेकिन यकीन मानिए अटल बिहारी वाजपेयी ने साल 1977 में जनता सरकार में विदेश मंत्री के तौर पर यूनाइटेड नेशन में अपना पहला भाषण हिंदी में दिया। अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ दमदार प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन सांसद भी थे। वो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश और गुजरात से सांसद रह चुके। अटल जी की बात करें तो 10 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। आजादी के पहले अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के तहत 1942 में अटल बिहारी वाजपेयी के बड़े भाई प्रेम बिहारी वाजपेयी के साथ उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी की तबीयत साल 2000 के बाद से खराब रहने लगी। प्रधानमंत्री रहने के दौरान भी साल 2001 में अटल जी के दाएं घुटने का ऑपरेशन हुआ था। साल 2009 में लकवा मारने के कारण वाजपेयी जी को बोलने में दिक्कत होने लगी। अटल बिहारी वाजपेयी देश में एक अच्छे कवि के रूप में जाने जाते थे और एक बार अटल जी ने खुद कहा था कि वो अच्छे नेता नहीं बल्कि महान कवि के तौर पर अपनी पहचान बनाना चाहते हैं।